Hello students, in the last lecture I was discussing about the nutrition. We have discussed about the definition of the nutrition, definition of nutrients, types of the nutrition, right? So what is the nutrition? Nutrition is basically a process by which an organism takes in the material and then takes in the nutrients like protein, carbohydrate, you know, fat, vitamins, enzymes, water, and then utilizes it for the different functions of the body, to perform different functions of the body. So when we walk, when we ride, when we talk, when we run, whenever we are not only during the action, during the movement or the motion, when we jab hum baithe rehte hain, theek hai, then also we need energy just to maintain our body in a state of movement, in a stable state. हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो कि हम अगर हम परफॉर्म कोई मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो भी वो कंटिन्यूसली होती रहती है. हर एक सेल में मूवमेंट होता है. सो टू परफॉर्म ऑल दिस एक्टिविटीज वी नीड न्यूट्रिएंट्स. सो द प्रोसेस बाय विच वी टेक्स इन द न्यूट्रिएंट्स इज द न्यूट्रिशन. नाउ हाउ डू द लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? How do the living beings get their food? मैंने जैसे बताया कि जब हम कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम कहीं पे बैठे हुए हैं ना, स्टेडी स्टेट, तब भी हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है ना. प्रोटीन फोटोसिंथेसिस करना होता है. प्रोटीन इज रिक्वायर्ड टू द इज अ बॉडी बिल्डिंग मटेरियल टू रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ हमें, ठीक है. सो ये जो लिविंग बींग्स हैं, दो तरीके से फूड ले सकते हैं. समटाइम्स देर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, दे टेक्स इन द फूड इन द फॉर्म ऑफ सिंपलर मॉलिक्यूल, राइट. जैसे कि ग्रीन प्लांट्स है ना, बैक्टीरिया है, ग्रीन प्लांट्स हो गए या फिर आपके बैक्टीरिया हो गए. सर्टन बैक्टीरिया, नॉट ऑल द बैक्टीरिया. सो दे टेक्स इन द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. ये एटमॉस्फेयर से सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लेते हैं, ठीक है इन द फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल, वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है. और उसको फिर दे सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. फ्रॉम दिस सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दे सिंथेसाइज देयर फूड विच इज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड बाय विच दे गेट द एनर्जी. देर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स विच यूटिलाइजेज विच टेक्स इन द मटीरियल इन द विच टेक्स इन द फूड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है. ये तो एक टाइप हो गया. दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये कौन होंगे जो ऐसा इस तरह से करेंगे? दे आर ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया. नाउ देर आर सर्टेन अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एनिमल्स हो गए, और एनिमल्स हैं या फिर फंजाई हैं. ये क्या करेंगे, ये कैसे करते हैं, ये कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं? दे टेक्स द फूड इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है. दे टेक्स द फूड इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है. और उसको क्या करेंगे, दे ब्रेक डाउन दिस कॉम्प्लेक्स फूड, the complex form of food into the simpler form of food, into the simpler form of food. और इस process में इनको क्या जरूरत होती है? They require enzyme. Enzyme जो है एक catalyzer का काम करता है, जो कि process को catalyze करता है. और जो complex form में food रहते हैं, उनको वो break down करके simpler form में convert करता है, अब्सॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसको कि ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब कर सकते हैं. तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन अकर्स इन एनिमल्स एंड फंजाई. नाउ
पहले वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फर्स्ट आई विल बी डीलिंग विद द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में जो है, हमने पहले भी पढ़ा है किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है. दे मेक्स देयर ओन फूड, दे मेक देयर ओन फूड. ठीक है, सो सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म हैज द एबिलिटी टू मेक इट्स ओन फूड, सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो प्लांट्स में किस तरह का न्यूट्रिशन होगा? इन प्लांट्स विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड? इट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है, प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड. हमने लास्ट लेक्चर में इसको देखा है, डेफिनेशन डिटेल में देखा है, व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सो ड्यू टू दिस एबिलिटी ऑफ द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स. प्लांट्स को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स, बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड. प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर. नाउ व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स सिंथेसाइजेस फूड? वो कौन सा प्रोसेस है जिसके चलते प्लांट्स फूड सिंथेसाइज करते हैं? जो एंटायर यूनिवर्स है उसमें हर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स के अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यार दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर द फूड. तो ओनली द प्लांट्स. सो नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस, आप इस टर्म को देख रहे हो, दिस टर्म इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स, टू वर्ड्स. फोटोज मैंने क्या होता है? लाइट. फोटोज मीन्स होता है लाइट, एंड सिंथेसिस, सिंथेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस. ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ द फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट. सो इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स व्हाट दे डू, दे यूटिलाइजेस द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अब्सॉर्ब फ्रॉम द एटमोसफेयर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड देन विद द हेल्प ऑफ लाइट, इन द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल, दे सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक फूड मटीरियल दैट इज ग्लूकोज. राइट, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. What is photosynthesis? It is the process by which a green part of plant utilizes carbon dioxide and water to produce sugar with the help of sunlight in the presence of with the help of sunlight and chlorophyll. In this process, plants, what they do, they converts the radiant energy into the chemical energy. Sunlight ko kya karenge? They convert the radiant energy into the chemical energy that is in the form of the carbohydrate. ठीक है, तो plants क्या होते हैं photosynthesis में? ये जो है दे विल अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द एटमोसफेयर एंड दे विल सिंथेसाइज शुगर और यू कैन राइट कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. इन दिस प्रोसेस दे कन्वर्ट रेडिएंट एनर्जी और यू कैन से लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी को ये क्या करते हैं? दे कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी. दे कन्वर्ट रेडिएंट और द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल
एनर्जी. ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. दिस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय दिस इक्वेशन. 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल कंबाइन विद द 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड इट विल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर. इट विल गिव राइज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड सम वाटर मॉलिक्यूल्स. तो दिस इज द प्रोसेस बाय विच द ऑक्सीजन इज वी इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ और आर एटमोसफेयर गेट्स द ऑक्सीजन. फोटोसिंथेसिस से ही जो है हमारा एटमोसफेयर पे इस पूरे अर्थ पे क्या होता है, ऑक्सीजन हमें मिलता है. ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट. ये जो ऑक्सीजन है ना, इट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ठीक है, अभी हम ये देखेंगे कि एक एक चीज कर एक एक करके कि सनलाइट कौन से वेवलेंथ के सनलाइट ये ट्रैप करते हैं कौन से, और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहता है. सो लेट्स सी व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस का एसेंशियल एलिमेंट क्या है जिसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता. देर आर टू मेन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. फर्स्ट इज सनलाइट एंड द अनदर एसेंशियल एलिमेंट इज क्लोरोफिल विच हेल्प. दीज आर द एलिमेंट्स विच विदाउट विच द फोटोसिंथेसिस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड. नाउ लेट्स सी द सनलाइट इन डिटेल. जो सोलर रेडिएशन होती है, जो लाइट हमारे अर्थ पे जो सनलाइट आती है उसका जो विजुअल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रा है दैट इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. राइट, सो लाइट विच फॉल्स इन द रीजन ऑफ इन द विजुअल रीजन ऑफ सोलर स्पेक्ट्रा दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. लाइट विच falls in the visible region of solar spectrum. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, इट इज यूटिलाइज फॉर द फोटोसिंथेसिस. तो जो वेवलेंथ होती है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट विच इज यूटिलाइज फॉर द फोटोसिंथेसिस, इट इज बिटवीन द 400 टू 700 नैनोमीटर. 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, इस रेंज की जो लाइट होती है, इस रेंज की जो वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ की जो लाइट होती है, दीज सनलाइट्स आर यूटिलाइज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड दिस रेंज ऑफ वेवलेंथ इट इज ऑल्सो नोन एज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, पार. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. ठीक है, और PAR, राइट, इन शॉर्ट फॉर्म इट इज नोन एज PAR. तो दिस दीज वेवलेंथ्स ऑफ द सनलाइट आर यूटिलाइज्ड फॉर द
फॉर्मेशन ऑफ फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है इट परफॉर्म्स मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द रेड लाइट. ठीक है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस लाइट में होगी? इट अकर्स इन द रेड लाइट. एंड मिनिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द ग्रीन लाइट. क्यों? क्योंकि जो प्लांट पार्ट्स हैं वो ग्रीन कलर के हैं. सो दे द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट जिसमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड विच इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, तो क्या होगा, ये ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दे विल रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट. सो मिनिमम सिंथेसिस विल अकर इन ग्रीन लाइट एंड मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन रेड लाइट. राइट, नाउ द अनदर एसेंशियल एलिमेंट इज क्लोरोफिल. द अनदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इट इज प्रेजेंट इनसाइड अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच इज नोन एज द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लास्टिड्स. इट इज प्रेजेंट, इट इज अ पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लास्टिड्स. लेट्स सी वेयर आर दिस क्लोरोफिल प्रेजेंट. सपोज हियर आई एम, दिस इज अ बिग ट्री. राइट, इस बिग ट्री में सपोज दिस इज अ लीफ. बस हम एक लीफ को देख रहे हैं. ठीक है, अगर इसका एक टीएस करें, सेक्शन कट करें हम इसका, ठीक है, और इसको हम एक सेक्शन कट करके अगर इसका इनलार्ज्ड व्यू हम देखें, सो हियर इज द इनलार्ज्ड व्यू ऑफ दैट सेक्शन. ये जो ग्रीन लीव्स होती हैं, वेयर दे इन विच पार्ट ऑफ दीज ग्रीन लीव्स दीज ग्रीन सेल्स आर प्रेजेंट. सो क्लोरोफिल जो है ठीक है, दिस इज द अपर एपिडर्मिस विच इज सराउंडेड बाय क्यूटिकल. अब अपर एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है, कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज द पैलिसेड सेल्स. और दो लेयर पैलिसेड सेल्स की होती है इस तरीके से, और इनमें फिर प्रेजेंट होता है, इसके नीचे प्रेजेंट होते हैं पैलिसेड सेल्स के बीच में आप देखोगे कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है. स्पॉन्जी पेरेन्काइमा प्रेजेंट हियर, दिस इज द कंसिस्ट द वेस्कुलर बंडल ऑफ द लीव्स. अब ये जो पैलिसेड सेल्स है इनके अंदर क्या होता है, यहां पे आपको ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे. दीज ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द प्लास्टिड्स एंड दीज प्लास्टिड्स दे कंटेन द ग्रीन पिगमेंट दैट इज द क्लोरोप्लास्ट. मैं यहाँ पे पूरा फिगर नहीं बना रही हूँ. एंड दिस इज स्टोमेटा. ये क्या है, ये स्टोमेटा है. दिस इज अपर एपिडर्मिस ऑफ लीफ, अपर एपिडर्मिस. दिस इज लोअर एपिडर्मिस. एंड अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के नीचे क्यूटिकल की लेयर होती है. दिस इज क्यूटिकल. दीज आर द पैलिसेड सेल्स. दीज आर स्पॉन्जी पेरेन्काइमा. ठीक है, इसमें भी ये जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है इन सब में आपको क्या दिखेंगे, ग्रीन कलर के
छोटे छोटे ऑर्गेनल्स दिखेंगे जिनको कहते हैं प्लास्टिड्स और द क्लोरोप्लास्ट, राइट. दीज आर द टुगेदर द पैलेसियर सेल्स एंड द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, दे आर ऑल्सो नोन एज द मेसोफिल सेल्स. तो मेसोफिल सेल्स बेसिकली दे कंसिस्ट, दे कंटेन्स द प्लास्टिड्स. नाउ लेट्स सी अ डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लास्टिड. हेयर इसका एक स्ट्रक्चर आई एम ड्रॉइंग. सो प्लास्टिड इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, इस तरीके से सर्कुलर स्ट्रक्चर, राउंडेड स्ट्रक्चर, एंड इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, कंसिस्ट ऑफ द टू मेम्ब्रेन्स. सेल के अंदर जो है जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें दो ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया. प्लास्टिड्स जो प्लास्टिड्स है वो सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं. यूकैरियोटिक सेल एनिमल्स में भी होता है. वी ऑल द एनिमल्स आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. दीज ऑल द हायर प्लांट्स दीज आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट द ऑल द प्लांट्स एक्सेप्ट द बैक्टीरिया. सो दिस इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट विच इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट्स. अब इसके अंदर क्या होगा, आप देखोगे कि यहां पे देर आर स्टिक सर्टेन फ्लैटन स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट विच आर अरेन्ज इन स्टेक्स, है ना. एंड दीज फ्लैटन स्ट्रक्चर्स दे आर अटैच्ड विद ईच अदर द सर्टेन लैमिनर स्ट्रक्चर्स, ठीक है. कुछ लैमिनर स्ट्रक्चर्स ये अटैच्ड होते हैं इस तरीके से. अब ये जो है दीज फ्लैटन स्ट्रक्चर, दीज डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स, दीज आर नोन एज थाइलेकॉइड्स, थाइलेकॉइड्स, ठीक है. और व्हेन दे फॉर्म अ स्टेक, व्हेन दे अरेंज्ड इन अ पाइल, देन दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द ग्रैनम, ठीक है. दिस इज ग्रैनम, सिंगल स्टेक इज नोन एज ग्रैनम. एंड इफ इट इज प्रेजेंट इन न्यूमरस नंबर देन दे आर नोन एज ग्रैना, राइट. सो थाइलेकॉइड्स आर द डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर विच आर एंड दे फॉर्म ग्रैनम व्हेन दे अरेंज इन अ पाइल, व्हेन दे अरेंज इन अ स्टेक. नाउ दीज थाइलेकॉइड्स दे आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ अ लैमिनर स्ट्रक्चर विच इज नोन एज ग्रैना लैमिनी, ठीक है. आप इसको लैमिनी लिखो, ग्रैना लैमिनी, ठीक है. अब इनमें जो होता है, मैंने ये भी बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, दे हैव देयर ओन डीएनए, ठीक है. तो क्लोरोप्लास्ट में उनका ये जेनेटिक मटेरियल है. हम बहुत डिटेल में क्लोरोप्लास्ट को नहीं देखेंगे, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है. ये एक प्लांट है, उसकी एक टीका ये लीफ है, लीफ का सेक्शन कट किया मैंने. तो लीफ का सेक्शन कट करने के बाद अगर आप देखते हो तो जो लीफ की ऊपरी सरफेस होता है, अपर सरफेस जो होगा वहां पे क्या होगा, फ्लैट सरफेस होता है ना लीफ ऐसे फ्लैट सरफेस है. इसका हमने इस तरह से अगर एलएस कट करें तो ये अपर सरफेस पे क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है अपर एपिडर्मिस. नीचे जो ये अपर एपिडर्मिस यहां पे है, नीचे क्या है, लोअर एपिडर्मिस. अब इसके बीच में, इन दोनों सरफेस के बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो ये यहां पे मैं शो कर रही हूं. तो यहां पे बीच में क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, पैलिसाइड सेल्स प्रेजेंट है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा प्रेजेंट है, और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल्स. तो इन मेसोफिल सेल्स में आपको ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर, डॉटेड स्ट्रक्चर दिखेंगे. दीज डॉटेड स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द क्लोरोप्लास्ट. सो दिस इज द क्लोरोप्लास्ट. अब मैंने उस क्लोरोप्लास्ट का यहां पे एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है. इस ये जो एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको मैंने यहां पे डिटेल में उसका स्ट्रक्चर बनाया. इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या आपको दिख रहा है, थाइलेकॉइड्स दिख रहे हैं, ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, गोल डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं थाइलेकॉइड्स. एंड दीज थाइलेकॉइड्स दे आर अरेंज इन अ पाइल, अरेंज इन अ स्टेक, एंड दीज स्टेक्स आर नोन एज ग्रैनम. अभी जो थाइलेकॉइड है, ये थाइलेकॉइड इसकी मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल. तो आपको पता चला क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट है, क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड्स. सो क्लोरोफिल आर प्रेजेंट
in the membrane of thylakoids. Chlorophyll are present in the membrane of the thylakoids. Thylakoids कहाँ present होता है? They are present inside the chloroplast. Chloroplast कहाँ present होते हैं? Chloroplast present होते हैं leaf के internal structure में. जो leaf के internal structure में mesophyll cells present होते हैं, उनमें chloroplast present होते हैं. Mesophyll cells दो तरीके के होते हैं, pericyte cells and the spongy parenchyma cells. दोनों में mesophyll, दोनों में क्या होगा? Chloroplast present रहेंगे. और लीफ कहाँ पे होता है? ग्रीन पार्ट, प्लांट का पार्ट होता है लीफ. ठीक है. सो द क्लोरोफिल्स दे आर प्रेजेंट इन ऑल द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ऑफ प्लांट्स, ठीक है. क्लोरोफिल जो होता है दे आर ऑफ मेनी टाइप्स. दे आर मेनी टाइप्स ऑफ द क्लोरोफिल. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल. आउट ऑफ दीज सिक्स टाइप्स ऑफ द क्लोरोफिल, दीज वेरियस टाइप्स ऑफ द क्लोरोफिल, द चीफ क्लोरोफिल्स विच आर मेनली प्रेजेंट, विच आर मोस्ट अबंडेंट एंड विच आर मेनली परफॉर्म इन फोटोसिंथेसिस, दे आर चीफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पिगमेंट दे आर द चीफ पिगमेंट्स, दे आर द मेन पिगमेंट्स विच परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल्स के अलावा देर आर सर्टेन एक्सेसरी पिगमेंट्स आर ऑल्सो अदर और एक्सेसरी पिगमेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. एक्सेसरी पिगमेंट्स विच प्लेज very important role in photosynthesis. Let's see those elements, those pigments. First is carotene. Carotene jo hota hai, it is an orange color pigment which is present in carrot. Carotene kaisa hoga? It is an orange color pigment. Theek hai, kis color ka hota hai? Orange color ka pigment hota hai which is present in carrot, right? Another pigment is xanthophyll. Xanthophylls जो होते हैं they are orange yellow color pigment. ठीक है. Xanthophylls orange yellow color pigments. ठीक है. And the third type of pigment is phycobilins. Phycobilins, they are red color, purple, violet color pigment. Red है, purple है, violet color है, purple, violet, yeah, blue. So these are the colors of the phycobilins. They are present in bacteria, cyanobacteria, etc. ठीक है. So these are the accessory pigments which performs the photosynthesis. So these are the outer, this is the outer membrane. Outer membrane, OM stands for the outer membrane. This is the inner membrane and this is the intermembrane space. Now these are the loop of DNA. This is the loop of DNA. इसमें क्या होगा? Starch grains present रहेंगे. These are the starch grains present inside the chloroplast. So these are starch grains. इसके अलावा दे हैव देयर ओन राइबोसोम्स. दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स है एंड दिस आर द राइबोसोम्स. राइबोसोम्स ऑफ द, यू कैन राइट इट हियर, दिस आर द राइबोसोम्स.
राइबोसोम्स किस टाइप के होंगे? क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम जो होता है इट इज 70S टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एंड जो ये लूप ऑफ डीएनए है इट इज सर्कुलर, सर्कुलर लूप इज प्रेजेंट. सो सर्कुलर जेनेटिक मटीरियल, सर्कुलर डीएनए एंड 70S राइबोसोम, दीज आर द फीचर्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, राइट? दैट इज व्हाई द क्लोरोप्लास्ट, दे आर ऑल्सो नोन एज द यूकैरियोटिक सेल ऑफ द प्रोकैरियोटिक ओरिजिन.